नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। तो बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। बेसन की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, 1 बड़े साइज का प्याज, 7 से 8 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच धनिया, थोड़े से सूखे नारियल, 1 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से काली मिर्च, तेल, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, तड़के के लिए 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़े से हरे धनिया की पत्ती। तो चलिए दोस्तों, अब हम चूल्हे को जला लेते हैं। चूल्हा हमारा जल गया है, अब हम कढ़ाई को रख देंगे। अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम सबसे पहले सूखे नारियल को डालेंगे। नारियल को डालकर हल्का सा लाल करेंगे। लाल करने से मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम 1 बड़े प्याज को डाल देंगे। प्याज को भी डालकर 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब हम सारे मसाले को डाल देंगे। मसाले को डालकर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम कढ़ाई को उतार लेंगे। अब हम मसाले में 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक डालकर पीस लेंगे। पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम 1 कटोरी बेसन लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और हमने जो मसाले पीस कर रखे थे उसमें से 1 चम्मच डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला सा घोल बना लेंगे। अब हम बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डालेंगे। अब हम चूल्हे पर 1 तवा रख देंगे। तवे को गर्म होने देंगे और घोल को डालकर फैला लेंगे। जितना हो सके आप तवे पर घोल को फैला लें। जब घोल हमारा सूख जाएगा तो हम ऊपर से तेल डालेंगे। तेल डालकर रोल कर लेंगे। रोल को धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा तेल डालकर पकाएंगे ताकि रोल हमारा अच्छे से अंदर तक पक जाए। एक साइड से पक जाएगा तो हम पलट देंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए रोल को पका लेंगे। हमारा 1 रोल बनकर तैयार है। अब हम निकाल देंगे। अब हम इसी तरह से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को चारों तरफ तवे पर फैला देंगे और घोल को डाल देंगे। घोल को डालकर फैला लेंगे। जब ऊपर से घोल सूख जाएगा तब हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डालकर घोल को रोल बना लेंगे। फिर से हम ऊपर से तेल डालेंगे और धीमी आंच पर पकने देंगे। तो इसी तरह से सारे रोल को बना लेंगे। अब हम 1 कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे। अब हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को तड़कने देंगे। अब हम 1 बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। प्याज को डालकर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम 1 बारीक कटे हुए टमाटर को डालेंगे। टमाटर
टमाटर डालते ही एक चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हमने जो मसाले को पीसकर तैयार किए थे मसाले को डाल देंगे। अब हम सारे सूखे मसाले को डालेंगे। सूखे मसाले को डालकर अच्छे से मिलाएंगे और तेल छूटने तक मसाले को भुनेंगे। तो चलिए मसाले को अच्छे से भुन जाने देते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, कढ़ाई में तेल अलग हो गया है। अब हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने ज़रूरत अनुसार डालें। अब हम रोल को पीस पीस काट लेंगे। आपकी मर्जी, आप जैसा भी काटना चाहें, छोटा या बड़ा। हमने थोड़े बड़े साइज में ही रोल को काटा है। अब ग्रेवी में उबाल आ गई है। अब हमने जो रोल को पीस पीस काट कर रखे थे अब हम डाल देंगे। अब हम ऊपर से हरे धनिया की पत्ती डालेंगे और जैसे ही सब्जी में एक उबाल आएगी हम सब्जी को उतार लेंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, अब हम उतार लेंगे। अब हम एक कटोरे में सब्जी को निकाल लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारे बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। हमने बेसन की सब्जी को रोटी के साथ परोसे हैं। आप चाहे तो चावल के साथ भी परोस सकते हैं। तो हमारे बेसन की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।